नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। सुबह की शाम मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकालकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी की जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा किसान मोर्चा बांदा जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पूरा मामला जनपद बांदा के बबेरू का है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में तिरंगा यात्रा प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए सभी खादी भंडार की दुकानों में पहुंचकर महात्मा गांधी के चित्रों में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी के जयकारे लगाते हुए गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा में सभी ने माल्यार्पण किया। इस दौरान किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री अजय पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर पांडे, जिला महामंत्री विवेकानंद गुप्ता, किसान मोर्चा जिला महामंत्री राम नरेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मनीष पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजा दीक्षित, संतोष बाथम, महिला मोर्चा के पदाधिकारी सहित सैकड़ों भाजपाई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शिवविलास शर्मा की रिपोर्ट। आज महात्मा गांधी की जयंती पर क्या क्या कार्यक्रम किए गए? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे महात्मा गांधी महापुरुष जयंती के अवसर पर इस स्थल की साफ सफाई की गई एवं भाजपा के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ किसान मोर्चा के पदाधिकारीगणों ने माल्यार्पण कर अभी प्रभात फेरी लेकर के यहाँ से हम लोग जाएंगे गांधी आश्रम तक। यह कार्यक्रम वहीं समापन। आपका नाम क्या है? विजय विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा जनपद बांदा।